तो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टेक एंड स्केलेक्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे CRI पंप की, जो टुल्लू मोटर होती है 0.5 HP की, उसके बारे में। आज ये मोटर मेरे पास आई है, ये पूरी तरह से जल चुकी है। आज इसको हम रिवाइंडिंग करेंगे दोबारा से। आज इसका पूरा आपको डेटा बताया जाएगा, क्वाल साइज बताया जाएगा, पिच बताई जाएगी, और कितने नंबर का SWG यूज होगा वो भी बताया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप मोटर देख रहे हैं दोस्तों, ये 0.5 HP की CRI की मोटर है ये, और इसको आज हमने रिवाइंड किया है। इसमें इसका जो डेटा है वो आपको बता देते हैं। जो आपको ये दो ग्रीन वायर नज़र आ रहे हैं और रेड के नज़र आ रहे हैं, तो जो ये ग्रीन के हैं वो वाले स्टार्टिंग के वायर हैं, और जो रेड वाले ये है रनिंग की। तो दोस्तों, आज इसकी हम डेटा बताते हैं आपको, कौन सा डेटा इसमें यूज किया है हमने, किस तरह से रिवाइंड किया है इसमें। तो फ्रेंड, जो हमने इसमें डेटा यूज किया है वो स्टार्टिंग की बात करें और रनिंग की बात करें, तो हमने जो रनिंग में हमने जो डेटा यूज किया है वो 25 नंबर कॉपर वायर यूज किया है हमने, और उसकी हमने तीन तीन क्वाले ज्वाइंट क्वाले बनाई हुई हैं। ये कुछ अलग टाइप से मैंने इसको रिवाइंड किया है। दरअसल जो रनिंग में क्वाले यूज करते हैं वो चार चार करते हैं, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा हटके इसको आज रिवाइंड किया है। इसमें हमने तीन तीन क्वालों का सेट बनाया है, तीन तीन क्वालों का दो सेट बनाया है हमने रनिंग के लिए, और तीन तीन का ही हमने दो सेट बनाए हैं स्टार्टिंग के लिए। तो जो हमने स्टार्टिंग जो हमने रनिंग के लिए जो हमने क्वाल बनाई है, उसमें जो हमने टर्न दिए हैं वो है 90 टर्न दिए हैं हमने, और जो क्वाल का जो साइज है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्वाल साइज किस तरह से निकाला जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका कोर लेंथ होता है, जो आपके स्टेटर की जो चौड़ाई होती है अंदर की, तो दोस्तों जो आपको फर्मा होता है तो फर्मे के बीच में उतना ही गैप रखा जाता है, उसी के हिसाब से आप क्वाले बना सकते हैं। जो फर्मा होता है वो आराम से एडजस्ट हो जाता है, तो क्वाल की नाप तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी क्वाल की नाप निकालने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा क्वाल साइज कैसे निकालते हैं। तो हमने इसकी तीन तीन क्वालों का दो सेट बनाए हैं रनिंग के लिए, जिसमें हमने 25 नंबर का कॉपर वायर यूज किया और उसमें हमने 90 टर्न दिए हैं। अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में जो हमने SWG यूज किया है वो कॉपर का है 27 नंबर का, और हमने उसमें जो टर्न दिए हैं वो है 120 टर्न दिए हैं स्टार्टिंग में हमने, और उसका भी तीन तीन साइज, तीन तीन क्वालों का एक एक साइज बनाया हुआ है, यानी कि टोटल दो सेट बनाए हुए हैं हमने स्टार्टिंग के तीन तीन क्वालों के। तो दोस्तों, हमने इसको पूरा रिवाइंड कर लिया है। इसके बाद में इसकी हम अब सेटिंग कर रहे हैं, तो आपको अगर सेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती हो या कोई कहीं से कुछ फंसता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, हमने इसको सेट किया है अभी अभी, और इसको जब भी आप इसको सेट करें तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से करें, ध्यान से करें, क्योंकि इसमें जो लोहा यूज होता है, जो इसका सेट होता है वो बहुत ही हल्का होता है, उसमें हम हथौड़े से ज़्यादा ज़ोर से वार नहीं कर सकते। इसको बड़े आराम से लकड़ी से ही ठोक के हमने सेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें जो जो इसमें वायरिंग लगी होती हैं दोनों तरफ, तो आप उसको उसमें थोड़ा सा आयल यूज कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ताकि वो आराम से घूम सके, और इसके बाद में ही सेट करें। और अगर पंप में कोई प्रॉब्लम है तो पीछे से आप पंप को भी खोल के सेट कर सकते हैं उसको। तो हमने इसको सेट कर लिया है। ये तीनों नट जो इसमें लगे होते हैं वो हमने तीनों को टाइट कर दिया है। अब इसके बगल में जो जो ये राड है, राड में अब इसमें पंखुड़ी लगा देते हैं, पंखुड़ी लगा के हम सेट करते हैं। इसके बाद में आपको चला के दिखाएंगे किस तरह से ये चलता है। तो दोस्तों, जो आप इसमें देख सकते हैं कि जो चार वायर निकले हुए हैं, दो ग्रीन के और दो रेड के, तो ये दो ग्रीन के हैं ये स्टार्टिंग के हैं, और जो रेड के हैं वो रनिंग के हैं। तो दोस्तों, अभी ये पंखुड़ी लगा देते हैं, फिर आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताया जाएगा किस तरह से इसका कनेक्शन करते हैं और किस कौन सा कैपेसिटर यूज होगा इसमें। दोस्तों, ये भी आपको बताया जाएगा कि जो इसके कनेक्शन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अगर आप कनेक्शन करना जानते हैं तो ये नॉर्मली कनेक्शन होते हैं इसके, इसमें कोई अलग से कनेक्शन नहीं होता, डेल्टा कनेक्शन नहीं होते हैं, इसके सीरीज कनेक्शन ही होते हैं। तो
इसमें एक ग्रीन का और एक रेड का मिला के कॉमन बनाया जाता है, और इसके बाद में जो एक ग्रीन का एक रेड का जो बचेगा उसको कैपेसिटर के साथ में ज्वाइंट किया जाएगा। इस तरह से नॉर्मली कनेक्शन इसके भी होते हैं। इसके बाद में इसको पूरा फिट करके आपको चला के दिखाया जाता है किस तरह से अपना वर्क करता है, किस तरह से काम करता है। दोस्तों किसी भी मोटर के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको डेटा चाहिए हो, तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी मोटर हो, कोई भी फ़ैन हो, कूलर हो, एग्जास्ट फ़ैन हो, स्टैंड फ़ैन हो, मिनी फ़ैन हो, कोई भी हो, सीलिंग फ़ैन हो, तो किसी का भी आपको डेटा पूछना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे हौसला मिलता है नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। दोस्तों इसमें अब आपको आगे दिखाया जाएगा किस तरह से ये अपना काम करता है। ये देखो आप अगर देख रहे हो तो ये इसमें एक हमने कैपेसिटर में ग्रीन का वायर कनेक्ट कर दिया है, और एक में रेड का कर दिया है। तो जो मेन पावर की दो लाइन आएगी, दो वायर आएंगे, जो एक फेज का होगा और एक अर्थ का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें मेन लाइन दी जाती है वो एक कॉमन में दी जाती है रेड और ग्रीन वाले में, और दूसरा रनिंग के वायर वाले के साथ में कनेक्ट किया जाता है। और अगर आप स्टार्टिंग की में कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका पंप उल्टा घूमने लग जाए, जिससे कि वो अपना सही से काम नहीं करेगा और पानी भी नहीं सही से निकालेगा, ये पानी नहीं उठाएगा सही से। तो आप देख रहे हैं कि एक हमने वायर रनिंग के साथ में कनेक्ट कर दिया है फेज का, और दूसरा एक और जो है दूसरा वायर है उसको हमने जो हमने कॉमन बनाया था एक रेड ग्रीन के साथ में, तो उसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब इसको टेप कर देंगे अच्छी तरह तरीके से, ताकि यहाँ से कोई भी प्रकार का शॉर्ट ना हो, कोई भी यहाँ से कोई भी अर्थिंग ना हो। तो इसको सही तरीके से ज्वाइंट किया जाता है ताकि बॉडी के साथ में कहीं से भी ये वायर टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें करंट लगने का भी डर रहता है। तो दोस्तों आप देखें इस वीडियो को, अभी थोड़ी देर में इसको सेट करने के बाद में मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा किस तरह से ये चलता है, किस तरह से पानी देता है ये। तो दोस्तों आपको इसी तरह की अगर और वीडियो देखने हो तो आप मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे टेक्निकल से जुड़े हुए और इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए। तो आप एक बार मेरे चैनल पे ज़रूर जाएं, और जिस भी तरह का आपको वीडियो पसंद हो उसको ज़रूर देखें। तो अब इसके ढक्कन को भी लगा देते हैं जो पंखुड़ी के ऊपर होता है, ताकि कोई भी चीज़ इसमें आके टकराए ना और टूटे ना। ये पंखुड़ी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इसमें से हीट निकलती है, जो गर्मी निकलती है, तो ये पंखुड़ी उसको ठंडा करने का काम करती है और उस हीटिंग को बाहर भी निकालती है। तो इस तरह इसलिए ये इस पंखे का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। अब ये हमारा पूरा टिल्लू पूरी तरह से सेट हो चुका है। 0.5 HP का है ये, और ये CRI का है, आप इसको देख सकते हैं CRI का है, ये छोटा टिल्लू है। अब हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया काम कर रहा है। देखो कैसे पानी निकाल रहा है ये, इसको चला के दिखा दिया आपको हमने, इस तरह से वर्क करता है ये। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।